बच्चों अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 33। ठीक है, पेज नंबर 33 पर क्या है बच्चों? पेज नंबर 33 पर एक कलरफुल रंगोली बनी हुई है और हमें यहाँ पर उसके कलर्स फिल करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले यहाँ पर आपको कौन सा कलर फिल करना है? ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आप कौन सा कलर फिल करेंगे? ग्रीन कलर। ठीक है ना, इस वाले कॉलम में आपको ग्रीन कलर फिल करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम ये ग्रीन कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, ओके फिल कर लीजिए। देखिए हमने फर्स्ट कॉलम में ग्रीन कलर फिल कर लिया। अब हम सेकंड कॉलम में कौन सा कलर फिल करेंगे बच्चों? रेड कलर। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसमें हम कौन सा करेंगे? रेड। ठीक है, कर लीजिए। अब बच्चों हम इधर ये थर्ड वाले कॉलम में कौन सा कलर फिल करेंगे? येलो कलर। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इस थर्ड वाले कॉलम में येलो कलर फिल कर देंगे। देखिए हो गया ना फिल ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा कलर फिल करना है? ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कैसे बनाएंगे आप? ऑरेंज कलर आप रेड और येलो कलर को मिक्स कर देंगे तो आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा। देखिए, ठीक है ऑरेंज कलर हो गया। अब आगे पिंक कलर। पिंक कलर कैसे बनाएंगे आप? वाइट में पिंक ऐड करके। देखिए ये आपका पिंक कलर और इसे आप इस वाले में भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और कलर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से इस वाले में हम कौन सा कलर फिल कर देंगे? पिंक कलर। ठीक है, ना पिंक कलर। अब हम कौन सा लेंगे? ब्लू कलर। और ब्लू कलर को ये हम इस वाले डिजाइन में फिल कर देंगे। ठीक है, देखिए जाएगा ना फिर। नेक्स्ट कलर बच्चों, नेक्स्ट है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर हमें खुद बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे पर्पल? आप क्या लेंगे? ब्लू कलर। अभी हमने ब्लू कलर लिया था, उसमें से हम थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे। और कौन सा कलर लेंगे बच्चों? रेड कलर। ठीक है, देखिए ब्लू में हमने रेड मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया? पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर बन गया ना। अब इसे हम पर्पल कलर को कहाँ फिल कर देंगे? देखिए पर्पल कलर बन गया, थोड़ा डार्क ही बनेगा ये आपका, और इसको हम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, देखिए हो गया ना। और अगर किसी के पास पर्पल कलर बना बनाया हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा इसमें आप कलर्स। तो ये आपका पर्पल कलर फिल हो गया। ठीक है, तो मतलब अब हमारी ये वन सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आगे कलर भरना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो पर्पल है वही यही पर्पल है। हम थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाइट अगर हम मिक्स करें, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा सा अगर हम इसमें वाइट मिक्स कर लें तो ये ऐसा बन जाता है पर्पल। तो थोड़ा सा लाइट पर्पल लग रहा है ना, लग रहा है ना लाइट पर्पल। अब हम इसको कहाँ फिल कर देंगे? यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए
ओके देखिए हो गया ना ये फिल। हो गया ना फिल, अब आगे देखते हैं। अब आगे ये आपको थोड़ा सा, ये कैसा है, पिंक है, तो हम इसके लिए हम थोड़ा डार्क पिंक बना लेते हैं। देखिए हम ये इस तरीके का कलर इसमें फिल कर देंगे। क्या करना है हमें, रेड में वाइट ऐड करना है, ठीक है। जब आपको इस तरीके का कलर मिल जाए तो आप इसको यहाँ पर फिल कर दें। देखिए इसको अंदर फिल कर दीजिए फटाफट से। हो गया ना ये फिल हमारा। देखिए आगे देखते हैं। अब ये कौन सा है हमारा, ग्रे कलर। तो ग्रे कलर कैसे बनाएंगे बच्चों, कि मैंने ब्लैक में वाइट मिक्स कर दिया थोड़ा सा, तो ये कौन सा कलर बन गया, ग्रे कलर। नाउ अब हम इस ग्रे कलर को कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ, ठीक है। देखिए गया ना फिर, बहुत ही ध्यान से करिएगा, ये ग्रे कलर फिल हो गया। ओके ग्रे वाला फिल हो गया। अब नेक्स्ट आपको, अब बच्चों जो नेक्स्ट कलर है वो आपका थोड़ा सा हल्दी कलर है, येलो कलर नहीं है, हल्दी कलर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, येलो कलर में बहुत ही एक सिंगल डॉट, ज़्यादा नहीं, बहुत ही एक सिंगल डॉट आप रेड कलर की मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कौन सा कलर मिल जाएगा, हल्दी कलर। देखिए हो गया ना मिक्स, हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कलर आपको बच्चों लाइट पिंक कलर फिल करना है। तो अभी आपने जो पिंक कलर बनाया था, अगर वो आपके पास है तो आप उसमें थोड़ा वाइट ज़्यादा ऐड कर लें, थोड़ा वाइट और ऐड कर लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लाइट पिंक कलर। अब हम उसको लाइट पिंक कलर को कहाँ फिल कर देंगे, इस वाले कॉलम में, ठीक है। इस वाले डिज़ाइन में हम कौन सा कलर फिल कर देंगे, लाइट पिंक। देखिए हो गया ना ये लाइट पिंक कलर फिल हो गया। ठीक है आगे देखते हैं। आप आगे हमें कौन सा कलर फिल करना है, लाइट ग्रीन कलर। कौन सा कलर फिल करना है, लाइट ग्रीन कलर। तो आप ग्रीन कलर में अगर वाइट कलर मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो सभी फटाफट से लाइट ग्रीन कलर बना लीजिए। देखिए इस तरीके से हम ये लाइट ग्रीन कलर यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। ये लाइट ग्रीन कलर फिल हो जाएगा ना, देखिए ये हो गया आपका लाइट ग्रीन कलर। अच्छे से कलर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आप नेक्स्ट कलर कैसे बनाएंगे बच्चों, नेक्स्ट कलर आप इस तरीके से बनाएंगे कि आप पहले ब्राउन कलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर में ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें येलो कलर ज़्यादा रखना है, ठीक है। येलो कलर कैसा रखना है, आपको ज़्यादा रखना है। और फिर आप थोड़ा सा उसमें वाइट ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वाइट थोड़ा सा ही ऐड करना है। तो ये आपका ये कलर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हम कौन सा कलर लेंगे, येलो कलर।
ठीक है, येलो कलर लेंगे और हम अब आगे फिलिंग करते हैं। तो येलो कलर लेकर आपको यहाँ पर कौन सा कलर फिल कर देना है, येलो कलर। देखिए बच्चों, अब हम इसमें कौन सा कलर फिल कर देंगे, पिंक कलर। अब हम यहाँ पर ये स्टार वाले डिज़ाइन में फिल करने के लिए हम बनाएंगे लाइट ब्लू कलर। कैसे बनाएंगे लाइट ब्लू कलर, आप बनाएंगे ब्लू कलर में वाइट कलर ऐड करके, ठीक है। तो जब आप ब्लू कलर में वाइट कलर ऐड करेंगे तो आपको कौन सा कलर मिल जाएगा बच्चों, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। थोड़ा ये लाइट कलर है ना, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप कौन सा कलर बनाएंगे यहाँ पर, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम ये लाइट कौन सा कलर फिल कर दिया, हमने लाइट ब्लू कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो सभी को अच्छी लग रही है ना पेंटिंग, रंगोली अच्छी लग रही है ना। आप सभी ने भी तो दिवाली कंपटीशन पर रंगोली बनाई थी ना। तो देखिए ये भी एक रंगोली की डिज़ाइन है। अब क्या रह गया है इसमें, अब हमें इसमें आउटलाइनिंग करनी है। तो आउटलाइनिंग के लिए आप ब्लैक स्केच कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक वाटर कलर, ठीक है। तो आपके पास पतला ब्रश तो होगा, तो आप उस पतले ब्रश की हेल्प से इस तरीके से हम आउटलाइनिंग कर सकते हैं। देखिए ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, है ना, इसी तरीके से आप आउटलाइनिंग कर लेंगे। देखिए इधर भी देख लीजिए, आप कोशिश करिएगा कि आप स्केच कलर से ही कर लें, कि आपसे वाटर कलर से ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो आप स्केच कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर आपके पास स्केच कलर ना हो तो कम से कम आपको वाटर कलर से आउटलाइनिंग करनी आनी तो चाहिए, वरना स्केच कलर नहीं होंगे तो आप आउटलाइनिंग छोड़ देंगे, आप करेंगे ही नहीं आउटलाइनिंग। तो इससे बेटर है कि हमें आना चाहिए, कि कभी अगर हमें इमरजेंसी में यूज़ है हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। आई बात समझ में सभी को, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको करना है होमवर्क, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।